कबीर ने गिने होंगे शब्द मात्राएं, कबीर जी भी हमारी हिंदी के और जो उसमें उन्होंने कई सारी भाषाओं का बहुत अच्छा परिमार्जन किया है। क्या मीरा ने नृत्य करते करते ढोया होगा कोमा हलंत का भार। मीराबाई जी ने बहुत ही जन जन पे राजस्थान से लेकर पूरे उत्तर भारत में और फिर पूरे देश में और पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई है भक्ति भक्ति रस में। क्या दादू रैदास ने किया होगा नाम सर्वनाम का विचार। शब्दों की आड़ में कहीं पीछे छूट गया है दुकान। अब क्या हो रहा है कि सब हिंदी सभी को साथ में लेकर चल रही है तो कुछ दुखांत सुखांत अभिलाषा मात्राएं छंद कोमा हलंत व्याकरण ये सभी उसमें आत्मसात हो रहे हैं, सब एक साथ आ रहे हैं तो हिंदी और पॉपुलर हो रही है और जन जन की भाषा बन रही है और पूरे विश्व में बोले जाने वाली भाषाओं में उसका तीसरा चौथा नंबर आ रहा है। छितरे बिखरे जीवन से अब भी झांक रहे हैं सूखी रोटी के दो कौर, दो मीठे बोल, दो घड़ी विश्राम, अनगिनत गालियां, दो बूंद खारा जल। ये सभी हैं हिंदी के व्याकरण को मैं व्यक्त कर रहा हूं अपने चार लाइनों में। अनगिनत गालियां, दो बूंद खारा जल, आंखों से ढुलक पड़ते हैं अंगार, भूख से अब भी खार खाए बैठा हूं मैं उसी कमरे में जहां तुमने सिखाए थे छंद लय ताल। ये हिंदी की एक करुणा है कि किस तरह से वो परिष्कृत हुई परमार्जित हुई और वापस फिर उसमें कई भाषाओं का मेल मिलाप हो रहा है और कई अब हिंदी कई रूपों में आपको दिखाई देगी उत्तर प्रदेश से लेके पूरे साउथ से नॉर्थ तक ईस्ट से वेस्ट तक। उस कमरे में जहां तुमने सिखाए थे छंद लय ताल, गिनते गिनते मात्राएं उजर हो जाता है वो सब जो मैं कहना चाहता था। अब इन सब से आज तक लयबद्ध नहीं हो पाया हूं मैं, जो हो गए उन्होंने पा लिया अपना मुकाम। ये चार लाइनें थी हिंदी के लिए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।